आज हम बनाएंगे चिकन प्लेन सूप रेसिपी, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। इसके लिए हमें लगेंगे 5 से 6 चिकन के पीसेस विद बोन, ये देखिए। और इसे हमें कुकर में या फिर आप बाउल में भी इसे बॉईल कर सकते हैं। जैसे 5-6 पीसेज है तो इसमें आप 3 ग्लास पानी ले सकते हैं। 3 ग्लास पानी लेंगे और इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे आधे चम्मच। और इसे हमें 1 से 2 सीटी लगानी होगी। इसके बाद इसे हम खोल के इसके पीसेस को अलग करेंगे और पानी अलग रहने देंगे। पीसेस जैसे ही ठंडे हो जाए उसे हमें हाथ से थोड़ा थोड़ा छुट्टा करना होगा। इसे मिक्सर विक्सर में पीसना नहीं है, हाथ से ही करेंगे, काफ़ी अच्छा हो जाएगा क्योंकि हमने बॉइल किया और काफ़ी सॉफ्ट पीस। अभी पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और 1 चम्मच बटर डालेंगे। ये जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हमें सबसे पहले तो हमें गार्लिक के पीसेस डाले, कट किए हुए गार्लिक डालना होगा, बारीक चॉप की हुई। थोड़ा सा गार्लिक हो जाए इसके बाद हमें इसमें जिंजर डालना होगा, बारीक कट किया हुआ। और इसे हमें थोड़ी देर सॉटे करना है। इसके बाद हमने जो चिकन के पीसेस छोटे किए थे उसे डालकर हमें थोड़ा सा फ्राई करना है 2 मिनट। इसके बाद जो चिकन के पानी थे बॉईल किए हुए उसे हमें डाल के इसे हमें अच्छी तरह उबालना है। और इस पर जो वाइट से ये आएंगे उसे हमें निकाल कर फेंक देना है। इसके बाद हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा चिली सॉस डालेंगे, ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा सा वेनेगर डालेंगे। और ये कॉर्नफ्लावर का आटा है, इसमें हम ठंडा पानी डाल के इसका अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। इसके बाद ये हमें सूप में डालना है ताकि ये सूप हमारा थोड़ा सा गर्ट हो जाए। और इसे हमें अच्छी तरह बॉईल होने देना है। बॉईल होने के बाद इसमें हमें 1 अंडा डालना है, हमें येलो और वाइट पूरा डालना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो वो गट्ठा बन जाएगा। और इसे हमें अच्छी तरह चलाते रहना है। देखिए अब इसे हमें बस एक उबाल आने देना है। अब ऊपर से हम थोड़ा सा कोरियर नट डाल देंगे, बारीक कट की हुई। अब ये हमारा चिकन प्लेन सूप रेडी है। आप इसे सर्दियों में जरूर बना के इसे एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।